आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास वन इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट थ्री जो है आपका है ना, उसकी जो पोयम है उसको वन लिटिल किटन। ठीक है, वन लिटिल किटन मतलब होता है एक छोटी किटन। हम ज़्यादातर जो है कैट के बेबीज़ को बोलते हैं, छोटे बच्चों को है ना, उसको बोलते हैं। तो ये जो पोयम है ना, आपको लिसन सुनना है और अच्छे से इसको इंजॉय करना है। और देखो इसमें क्या बताया है, जैसे अगर आप इसको देखोगे भी सुनोगे भी तो आपको समझना ये है कि इसमें बताया है ऐसे कि फोर बिग रैट्स मतलब चार बड़े चूहे हैं है ना, से फाइव फैट फिशेस पांच मोटी क्या होते फिशेस मछलियां हैं। उस तरीके से आपको एनिमल काउंटिंग के रूप में दिए गए हैं है ना। तो हम अब इसको पढ़ते हैं। देखो, वन लिटिल किटन एक छोटी किटन बिल्ली का बच्चा, टू बिग कैट्स और दो बड़ी बिल्ली, थ्री बेबी बटरफ्लाइज है मतलब तितलियाँ, फोर बिग रैट्स और चार बड़े रैट्स हैं, फाइव फैट फिशेस फाइव मतलब पांच मोटी मछलियाँ, सिर्फ सिक्स सैड सील्स और सिक्स सैड सील्स हैं। आपको सील्स का मतलब तो पता ही होगा है ना। सेवन सिली सीगल्स, सेवन सिली क्या है सीगल्स, एट हैप्पी इल्स और एट हैप्पी इल्स, नाइन नर्वस लिजार्ड्स, नाइन नर्वस क्या लिजार्ड, नर्वस मतलब होता है परेशान होना, ये कोई चीज़ में थोड़ा क्या होते भटक जाना या बोल चीज चुपचाप बैठे रहना उसके चक्कर में, उसको हम होते नर्वस हो गए है ना। तो नाइन नर्वस लिजार्ड, टेन बे ब्रेफ बीस, बिल्ली बीस मतलब मधुमक्खी, टेन ब्रेफ क्या बीस, इलेवन स्मेली एलिफेंट्स, इलेवन स्मेली क्या एलिफेंट्स, ट्वेल्व फैट फ्लीस, ट्वेल्व फैट क्या फ्लीस, थर्टीन एलिगेटर्स, फोर्टीन व्हेल्स एंड फिफ्टीन डोंकीज विथ फिफ्टीन टेल्स, और फिफ्टीन डोंकीज विथ फिफ्टीन टेल। ठीक है, तो ये थी हमारी पोयम। लास्ट में जो नेम दिया है राइटर का वो है कैरोलिन ग्राहम। ठीक है, तो अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स हैं इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो न्यू वर्ड्स जो मैं आपको हर एक वीडियो में बता रही हूँ आपकी इस इंग्लिश की, न्यू वर्ड्स बच्चों इंग्लिश में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे जब आपको आपका एज अ कॉमन यूज़ में आएंगे और उनके साथ और न्यू वर्ड्स होंगे, चलो फिफ्थ तक तो ऐसे ही आने वाला है ना, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बाद में फिर रीडिंग करते टाइम तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैट मतलब होता है बिल्ली, फैट मतलब देखो या मोटा भी बने हैं, रैट मतलब चूहा, सैड मतलब दुखी और टैन मतलब दस है ना, टैन हम बोलते हैं ना इस ये वाला टैन ये वाला। तो यहाँ पे जो हमारी पोयम है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो थैंक यू।